दोस्तों, बॉलीवुड के हीमैन या यू कह लीजिए धर्म जी के बारे में आज हम आपको पांच रोचक बातें बताएंगे, या यू कह लीजिए पांच अनसुनी किस्से बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाइएगा। नंबर वन, धर्म जी दिलगे फिल्म को लगातार 40 दिनों तक देखे थे और वही फिल्म देखकर धर्म जी के मन में हीरो बनने का ख्याल आया था। नंबर टू, धर्म जी बचपन में अक्सर अपनी माँ को कहा करते थे, माँ मुझे बम्बई जाना है और हीरो बनना है। लेकिन उनकी माँ कहते थे, देख बेटा तुम तो उतना सुंदर भी नहीं है कि हीरो बन पाएगा। और ये बात जब तुम्हारे पिता को पता चला तो वो काफ़ी हैरान परेशान हो जाएंगे। नंबर थ्री, धर्म जी बचपन में 8वीं तक अपने गांव में ही पढ़े थे सहनवाल, और उसके बाद अपने बुआ के गांव फगवारा चल गए थे और 8वीं से 10वीं तक की पढ़ाई वहीं से किए थे। और वहां रहकर भी वह धर्म जी फिल्म देखे बहुत दूर दूर तक चला जाते थे। और ठीक एक दिन वैसे ही धर्म जी अपने बुआ के गाँव फगवारा से जालंधर फिल्म देखने चले गए, लेकिन आने वक्त में जब रिटर्न आ रहे थे तो बस में सीट ही नहीं मिला। उसके बाद धर्म जी चुपके से कंडक्टर की नज़र से छुप बच के जाके छत पे बैठ गए। लेकिन जब अपने बुआ के गांव भगवारा उतर रहे थे तभी धर्म जी के निगाह कंडक्टर, या यूँ कह लीजिए कंडक्टर के निगाह धर्म जी पर पड़ गया। और वैसे ही कंडक्टर धर्म जी को गाली बकने लगा, लेकिन पहले से तैयार थे धर्म जी, लेकिन धर्म जी भी गाली दे दिए। जैसे ही कंडक्टर को गाली दिया वैसे ही कंडक्टर धर्म जी को गाली देने के लिए दौड़ा, लेकिन धर्म जी इतने तेजी से भागे कि अपने बुआ के घर पे ही रुके। नंबर फोर, जिस स्कूल में धर्म जी पढ़ा करते थे उसी स्कूल में उनके पिताजी पढ़ाया करते थे, और अक्सर धर्म जी पढ़ाई को लेकर परेशान हुआ करते थे। नंबर फाइव, धर्म जी जब फिल्मों में आए तो सबसे पहले उन्हें मीना कुमारी से मुलाकात हुआ, और मीना कुमारी ही धर्म जी को एक्टिंग, बोलने चलने, इस सब चीज़ का तरीका सिखाया था। तो दोस्तों, ये था धर्म जी के पांच अनसुनी किस्से। खैर, आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।